हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज एलिमिनेटर मैच था रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। तो इस मैच के बाद जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी होता है, तो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में किसको क्या अवार्ड मिलता है, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। तो दोस्तों, पहला जो आता है मैन ऑफ द मैच, जो इस मैच में मैन ऑफ द मैच हुआ है, वो है कोलकाता नाइट राइडर्स के सुनील नारायण, जिन्होंने इस मैच में 15 गेंद में 26 रन बनाए, उसके साथ 4 विकेट भी लिया। उनको प्राइज के थ्रू 5 लाख रुपये और एक मैन ऑफ द मैच का ट्रॉफी दिया गया। तो अगले जो अवार्ड आता है ड्रीम इलेवन गेम चेंजर ऑफ द मैच, जिन्होंने इस मैच में ड्रीम इलेवन में सबसे ज़्यादा पॉइंट कमाए, वो थे सुनील नारायण, जिन्होंने इस मैच में 170 पॉइंट कमाए। उनको प्राइज के थ्रू 1 लाख रुपये और एक ड्रीम इलेवन का ट्रॉफी दिया गया। तो अगले अवार्ड जो आता है आन अकेडमी लेस क्रैकिंग सिक्सेस ऑफ द मैच, जिन्होंने इस मैच में सबसे ज़्यादा छक्के लगाए, वो थे सुनील नारायण, जिन्होंने 15 गेंदों में 26 रन बनाए। उन्होंने इस मैच में 3 छक्के लगाए। उनको प्राइज के थ्रू 1 लाख रुपये और एक आन अकेडमी का ट्रॉफी दिया गया। तो अगले अवार्ड जो आता है सुपर स्ट्राइकर ऑफ द डे, जिन्होंने कम गेंदे खेलकर ज़्यादा रन बनाए, वो थे फिर से एक बार सुनील नारायण, जिन्होंने 15 गेंदों में 26 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट था 173 का। उनको प्राइज के थ्रू 1 लाख रुपये और एक ट्रॉफी दिया गया। तो नेक्स्ट जो अवार्ड आते हैं क्रेट पावर प्लेयर ऑफ द डे, पावर प्ले में जिन्होंने सबसे अच्छी बल्लेबाजी की, वो थे शुभमन गिल, जिन्होंने 18 गेंदों में 29 रन बनाए। उनको प्राइज के थ्रू 1 लाख रुपये और एक क्रेडिट की ट्रॉफी दिया गया। तो नेक्स्ट जो अवार्ड आता है विवो परफेक्ट कैच ऑफ द डे, जिन्होंने इस मैच में सबसे अच्छा कैच लिया, वो थे केएस भरत, जिन्होंने वेंकटेश अय्यर का कैच लिया। उनको प्राइज के थ्रू 1 लाख रुपये और एक विवो मोबाइल दिया गया। तो आखिर में जो अवार्ड आता है अपस्टॉक मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ द डे, अपस्टॉक में जिनका सबसे ज़्यादा पॉइंट था फैंटेसी, वो थे सुनील नारायण, जिन्होंने इस मैच में बॉलिंग के साथ 4 विकेट लिया और बैटिंग के साथ 26 रन बनाए। उनका पॉइंट था अपस्टॉक में 35। उनको प्राइज के थ्रू 1 लाख रुपये और अपस्टॉक को ट्रॉफी दिया गया। तो दोस्तों, इस मैच में कोलकाता ने जीत अर्जित कर लिया है और क्वालिफायर 2 में प्रवेश कर लिया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं इस साल IPL कौन जीते, कमेंट कीजिए।